हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, और आज के दिन को लेकर क्या है उनका प्लान्स आपके साथ, क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सोचिएगा आप आपके पार्टनर के बारे में, उनको अपने मन में ज़रूर रखें और यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करे। तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में? ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर ज़रूर आपके बारे में सोच रहे हैं, सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ग्रोथ की ओर ले जाना चाहते हैं, पर इनका जो ध्यान है ना, जाने अनजाने में प्रॉब्लम्स पर भी आ रहा है। ठीक है कि ऑब्स्टैकल्स है, चैलेंजर्स है, दिक्कत होगी आगे बढ़ने में, या दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान जाने अनजाने में प्रॉब्लम्स पर भी आ रही है। ठीक है कि प्रॉब्लम्स क्या है हमारे कनेक्शन में, ब्लॉकेजेस क्या है, और ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉकेजेस को हटाना नहीं चाहते या आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं तभी सोच रहे हैं, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करना है, ब्लॉकेजेस को कैसे हटाना है, इसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर कुछ तो गलती कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेने में ही गलती कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन नहीं लेना, बातें नहीं करना, इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है आपसे। ठीक है, मिलकर फेस टू फेस मीटिंग करना ज़रूरी है, यहाँ पर एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है, इनको एक्शन लेना ज़रूरी है यहाँ पर, या तो फैमिली से बात करना, आपकी फैमिली से, खुद की फैमिली से, जो इनका ड्रीम है आपके साथ को लेकर। ठीक है, तो उस ड्रीम को कैसे पूरा करना है, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए, या हम दोनों को, यानी कि आपको और इनको क्या करना चाहिए कि वो ड्रीम पूरा हो जाए, तो इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है कि हमें, हम साथ में कैसे आ सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के बजाय अगर ये एक्शन लेते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करना है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर होता है यहाँ पर। ठीक है, और क्या है इनकी फीलिंग्स, और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? इनके साथ आपके बेबी हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर हो, आपके साथ कंटिन्यू करना है इनको, आपके साथ फैमिली बनाना है इनको, या तो आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ हो, या तो इस तरह का रिलेशनशिप में आप दोनों रहे हो। ठीक है, जिसमें आप दोनों काफ़ी क्लोज रहे थे, आप दोनों ने एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ की तरह ट्रीट किया, हो सकता है कि इस तरह के रिश्ते में आप दोनों रहे हो। ठीक है, तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मिलना भी चाहते हैं, फैमिली से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपने फैमिली से बात कर लिया है, आपकी ओर बढ़ सकते हैं। क्या है इनकी एनर्जी आज मॉर्निंग में, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, जहाँ पर सिर्फ आप दोनों हो और आपका बेबी हो। ठीक है, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो, कोई तीसरा नहीं, फैमिली भी नहीं, ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आज एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में कुछ आ रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इनके साथ कहीं शिफ्ट होना है या ये करना है, तो उसको इनका सोच ऐसा है कि ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, जो मैं आज करने वाला हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं करने जा रही हूँ, इसको मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, तो आज जो सिचुएशन है वो कुछ और ही होता। मुझे गिल्टी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलोन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
अगर आज आप दोनों साथ में नहीं हो, सब कुछ ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है, आप दोनों के बीच दूरी आ गई है, तो पर रिकनेक्ट होना चाहते हैं वापस से, ठीक है। आज के दिन क्या कुछ हो सकते हैं, इनके एक्शन क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। ये टॉरस वर्गो के कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ये तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, स्पेशली वर्गो हो सकते हैं। जब आज के दिन क्या कुछ हो सकता है, इनके एक्शन क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम के लिए अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइट हो रही है, कंटिन्यूसली फाइट होती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पर नहीं हो पा रही है, इनकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, फैमिली के साथ हो रही है, तो आपके पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए मुझे अलग रहना है, मुझे टाइम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, या कुछ वक्त की दूरी हमारे बीच शायद सही होगी, ये इनका सोच देख पा रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे शादी चाहते हैं, या आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं रिश्ते को, बट इनको ये लग रहा है या इनके एनर्जी में, इनके सोच में ये बात ज़रूर आएगी कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, या दूरी ज़रूरी है, या फिर वापस से साथ में आने के लिए दूरी ज़रूरी है, या फिर अगर आप दोनों के बीच बातचीत हो रही है या साथ में हो बट प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पर आप दोनों के बीच, तो आपके पार्टनर का ये सोच मुझे दिखाई दे रहा है कि साथ कुछ वक्त की दूरी हम दोनों के बीच सब कुछ सही कर दें। ये मुझे हस्बैंड और वाइफ की एनर्जी दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड और वाइफ हो, ठीक है, ये आपके लवर भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप काफ़ी क्लोज रहे हो, जिनको आप अपनी फैमिली मानते हो, या जिनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो। और देखते हैं और क्या हो सकता है इनके एक्शन आपको लेकर, क्या कुछ हो सकता है इनके एक्शन। अगर ये आपसे दूर हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये मुझे ठुकरा रहा है या ठुकरा रही है। हो सकता है कि इनको कैरियर बनाना है, ये इनको टाइम चाहिए, तो आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, ठीक है, पॉजिटिव करें आप खुद को। और क्या कुछ हो सकता है इनके एक्शन आपके लिए या आपके रिश्ते के लिए आज के दिन, क्या हो सकता है आपके पार्टनर के एक्शन। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये आपसे मिलेंगे, आपके पास आएंगे, आपके क्लोज आना चाहेंगे, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, नीड महसूस हो रही है, फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं, ठीक है, आपकी नीड महसूस कर रहे हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं, आपके और मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि आपकी नीड है, इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हैं ये मिलने का, आपके क्लोज आने का, जो आपको लेकर इनका डिज़ायर्स है, विश है, उसको फुलफ़िल करने का मुझे प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच, इनके और आपके बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है होने का। मुझे नो कांटेक्ट दिखाई दिया है कई लोगों के लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, तो नो कांटेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मिस कर रहे हो दोनों ही, एक दूसरे को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्या कुछ हो सकता है यूनिवर्स बताए मुझे, दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पर दूरियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, नो कांटेक्ट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनसे आप डील कर रहे हो या शादीशुदा हैं, या तो किसी और से शादी करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप दर्द में हो, आप हर्ट फील कर रहे हो, तो कैरियर पर फोकस करें, या कोई और चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हो, पर खुद का ख्याल ज़रूर रखें, ठीक है, खुद को भूलें नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है,
इस वाले एनर्जी से बाहर निकल लियो, ठीक है। आपकी अपने भी ज़िंदगी हैं, उन लोगों के बारे में सोचें जो आपको खुश देखना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ चाहते हैं, ठीक है, जो आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी सलामती चाहते हैं, उनके लिए खुद को खुश रखिए, आगे बढ़िए, खुद को हिल कीजिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। कुछ लोगों के बीच मुझे ब्रेकअप दिखाई दिया है, इनका शादी होने जा रहा है या ये अलग होना चाहते हैं आपसे, अपनी फैमिली को चुन लिया इन्होंने, ये ऑलरेडी मैरिड थे ये, तो इन्होंने अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को चुन लिया है, उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, तो ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पर अगर इनके लाइफ में कोई और हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, तो हो सकता है कि उनको भी अपनी लाइफ में रखे आपसे छुपा कर। कुछ ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिसको आप नहीं जानते थे, ठीक है, जो आपसे छुपा हुआ है वो बात आपके सामने आ सकती है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप दोनों का यूनियन हो रहे हैं, पर किसी का दिल मुझे टूटते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। हो सकता है कि ये किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, किसी के खिलाफ जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो किसी का दिल टूट रहा है यहाँ पर, किसी को हर्ट हो रहा है, कोई नहीं चाहता, या आपके पार्टनर किसी और को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, या फैमिली से अलग हो रहे हैं, आपके साथ कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो फैमिली को यहाँ पर हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसा भी एनर्जी मुझे दिखाई दिया है कई लोगों के लिए। और क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर यूनिवर्स, बताएं मुझे क्या चांसेस है होने का, मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है। ओके, तो कई लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोजल मिलने वाला है, आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, कॉल टेक्स्ट हो सकता है ये, ठीक है, पर हाँ प्रपोजल आपको मिल रहा है, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके पास ऑप्शन था तो आपको चूज़ कर रहे हैं, या आपके पास ऑप्शन है तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, ठीक है। कुछ लोग लिए ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों, पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों जुदा हो जाओगे अगर आप दोनों साथ में हो, पर आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पर, तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों बिछड़ जाओगे, जुदा हो जाओगे, दूर हो जाओगे एक दूसरे से। इस बात को लेकर ये काफ़ी डरे हुए हैं कि आप इनको छोड़ दो क्या, आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है एक दूसरे से, ठीक है, मिलकर बैठकर आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या कुछ हो सकता है इनके बीच। कुछ लोगों के बीच मुझे फाइट दिखाई दिए हैं, कुछ लोग लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और को गुस्सा आप पर निकाल रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, आप काफ़ी रूड हो रहे हो, आपका जो बर्ताव है, बिहेवियर है, वो काफ़ी कठोर है, आपकी कुछ बातें, कुछ वर्ड्स इनको बुरा लगता है, तो ये चाहते हैं आपसे प्यार, आपसे मोहब्बत, ठीक है, आपसे प्यार चाहिए, केयर चाहिए, ये चाहते हैं कि आप स्वीट हो जाओ थोड़ा सा इनके प्रति, आपके कनेक्शन के प्रति, आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप बिजी हो, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स या दूरियां आपके साइड से है, तो आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच फाइट हुआ है, कुछ बहस हो गई, मनमुटाव चल रहे हैं यहाँ पर, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं,
ठीक है, कि कब आप इन पर फोकस करोगे, इन पर ध्यान दोगे, इनको अटेंशन दोगे। तो आपका टेंशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, और क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर, क्या चांसेस है होने का। वाओ, कुछ लोग ऐसा लग रहा है जिनसे डील कर रहे हो, ये आपका खुद का अपना पार्टनर है, आपका ट्रू लव है, आपका डिस्टाइंड पार्टनर है, इनके साथ आपका फ्यूचर है, ठीक है, इनके साथ आपकी ज़िंदगी है, इनके साथ आपकी फैमिली है, या तो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्व हो जाएगी, एक होना ही है, साथ में आना ही है, प्रॉब्लम चाहे जितना भी हो, दोनों ही कम नहीं हो एक दूसरे से। अगर गलती इनकी होती है तो कुछ मिस्टेक्स आपसे भी होती है, दोनों के साइड से ही कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है, दोनों में ही ईगो है, ठीक है, ये दोनों ही काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, दोनों का ही बिहेवियर काफ़ी रूड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रति कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाते हो, ठीक है, और इंतज़ार होता है कि वो पहले कुछ करे, वो पहले सही करने की कोशिश करे, वो आए हमारे पास, वो बात करे। दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हो। तो अगर मैं देखूं आज के दिन क्या हो रहा है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच फाइट हो रही है, किसी न किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है, दोनों में, दोनों ही अपने ईगो में हो, ठीक है, बात को अपने ईगो में ले रहे हो, दोनों की एनर्जी ऐसा है कि पहले वो कोई एक्शन ले, वो मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊँ, दोनों इंतज़ार कर रहे हो सामने वाले पर्सन का, ठीक है, ये है एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, या आपको चूज़ कर रहे हैं, आप की ओर आ रहे हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच अगर प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर दूरियां बना रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो ये है एनर्जी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, हैव अ गुड डे, टेक केयर।